सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया दे साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 31 जुलाई है, दिन एतवार है। नानकशाही संमत 554 दे मुताबिक अज 1600 चढ़ गया। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानू सारियां अहम ते वड्डियां खबरां दसांगे, पर उस तों वी पहलां महान शहीद सरदार उधम सिंह नूं उहनां दे 83वें शहीदी दिवस मौके शरधांजली भेंट करदे आं। अज पंजाब सरकार दे वल्लों वी शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित सूबा पदरी समागम करवाया जा रहा है। महाराजा मल्ली पैलेस पटियाला रोड सुनाम उधम सिंह वाला विखे शहीद उधम सिंह नूं समर्पित यह प्रोग्राम है जिहड़ा उह करवाया जा रहा है। शहीद उधम सिंह ओ महान योद्धा सी जिसने जल्लियांवाले बाग दे दुखदाई कतलेआम दा बदला लंडन जाके कातल गोरे अंग्रेज तों लिया सी। उधम सिंह ने अपने मन दे विच पूरे 20 साल उस कतलेआम दा बदला लैण दी सिक पाल के रखी अते कतलेआम तों 20 सालां बाद जाके जनरल ओडवायर नूं मार के उस कतलेआम दा बदला लिया। शहीद उधम सिंह दी शहीदी नूं असीं प्रणाम करदे आं। शहीद उधम सिंह दा जन्म गुरसिख परिवार दे विच होया सी। बचपन दे विच ही अनाथ हो गए सन। उस तों बाद उन्हां नूं जवान होण तक अमृतसर दे यतीम खाने दे विच ही रहना पिया। यतीम खाने दे विच सारे बच्चे बिना नागा सवेरे शाम गुरु घर जांदे सी, नितनेम करदे सी, ते शहीद उधम सिंह दी वी पीढ़ी सांझ गुरु घर दे नाल अंत तक बनी रही। चाहे ओह भारत दे विच रहे जां फिर लंडन जां किसे वी मुल्क गए, शहीदी तों पहलां गुरु घर दे प्रबंधकां दे नाल हमेशा उधम सिंह दी सांझ बनी रही ते हमेशा गुरु घर दे लंगरां दे विच ओह सेवा करदे प्रशादा वरताउंदे दिस जांदे सी। हसद्या हसद्या फांसी चढ़ जाण दा उत्साह भी शहीद उधम सिंह नूं गुरबाणी ते सिख इतिहास विचों प्राप्त होया सी। शहीद उधम सिंह दी वड्डी कुरबानी नूं सिजदा करदे आं। खबरां दे विस्तार दे विच सब तों पहलां तुहानूं एतवार दीआं वड्डीआं खबरां दस दिंदे आं। अज इक तां बैबल कलां इंसाफ मोर्चा जिथे लग्गिया होया उत्थे सिख जथेबंदियां दा वड्डा इकट्ठ होण जा रिहा है। बैबल कलां मोर्चा ला के बैठे नौजवान सुखराज सिंह नियामी वाला ने अज दा इकट्ठ सिख जथेबंदियां दे सहयोग दे नाल सद्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिथे समय तक जिहड़ा समां लिया सी पीड़ितां तों उस समय तक इंसाफ नहीं दिता है, इंसाफ देण दे विच नाकामयाब रही है। 6 महीने का होर समां मंगिया सी पर मोर्चे दे पीड़ितां ने गोलीकांड दे पीड़ितां ने इस समां देण तों इनकार करदिआं अज दे इकट्ठ दा ऐलान कर दिता सी। संभावना है कि अज दे इकट्ठ दे विच वड्डी गिणती दे विच लोक शामिल होणगे, क्योंकि एक तां ऐतवार है ते दूसरा जिहड़ा बेअदबी का दर्द है वह सिखां दे मनां दे विच्चों उदों तक नहीं निकलना जो तक इंसाफ नहीं मिल जाता। सो सरकार मान सरकार नूं इको एक बेनती है कि पंजाब दे विच लांबू लाउण वाला काम ना करे, नहीं पंजाब का माहौल सांभिया नहीं संभूगा। आने वाले 31 तरीक की वेट दे विच पंजाब दे लोकां नूं इको एक निम्रता सहित बेनती करते हैं कि गुरु वाले सिख बनीए, असीं गुरु वाले बनीए, वध तों वध इस संघर्ष दे विच योगदान पाईए ते इस इकट्ठ तों सरकार नूं दस दईए कि असीं गुरु दी बेअदबी दे रोस वजों कुछ भी कर सकते हाँ, असीं बेअदबी दे इंसाफ लई कुछ भी कर सकते हाँ। आओ रल मिल के आपां इकट्ठे हो के वड्डा संघर्ष लिखीए जिहदे नाल इन्हां सरकारां नूं ते सिस्टम नूं पता लग सके कि पंजाब दे विच असीं धक्का नहीं होण देंगे। द खालस टीवी ते इस इकट्ठ तों अज लगातार लाइव कवरेज दिखाई जाएगी। दूसरी अहम खबर है कि अज संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों रेलां दा चक्का जाम कीता जाएगा। किसान अंदोलन जदों मुलतवी होया सी उस मौके केंद्र सरकार ने मंगा मनण दा ऐलान कीता सी, पर हाले तक उह पूरियां नहीं कीतियां ने। इस करके अज पंजाब दे विच 4 घंटिआं दे लई सवेरे 11 बजे तों लैके दुपहर 3 बजे तक रेलां दा चक्का जाम करन दा ऐलान कीता है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां ने रेलां दे नाल नाल सड़की आवाजाई भी बंद करन दा ऐलान कीता है। पंजाब दे विच तां रेलवे ट्रैक रोके जाणगे, बाकी सूबियां दे विच सड़कां दे उत्ते चक्के जाम कीते जाणगे कई थावां दे उत्ते। ते नाल ही अज शहीद उधम सिंह दा शहीदी दिहाड़ा भी चक्का जाम दौरान ही किसानां दे वल्लों मनाया जाएगा। किसान लीडरां ने यात्रियों नूं अपील की है कि अज रेलां दे विच सफ़र ना करन, देश की आर्थिकता नूं उपर चुकण ते देश दे अन्नदाता नूं बचाउण लई किसानी अंदोलन का समर्थन जरूर करन। उग्राहां जथेबंदी दे वल्लों अज बुढलाडा मानसा ते पटियाला दे विच रेलां जाम कीतियां जाणगियां ते होरनां ज़िलिआं दे विच टोल प्लाज़ियां ते जाम लाए जाणगे। पिछली 3 तरीक नूं मतलब साडी भारत पद्धर दी किसान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई थी, ये फैसले उत्थे लए गए थे। वो एक रह गया थे भी
जिला कमिश्नर आकर्षित की जाएगी तो 31 तरीक न सारे भारत के 4 घंटे लिए ट्रैक जाम किया जाऊगा। मैं बेनती करता गा भी पंजाब दूजी ट्रैक नहीं जाम करनी, कला रेलों का चक्का जाम करना 11 तो लेके 3 बजे तक। भारतीय जनता पार्टी के बंदे ने गई कोई भी नहीं लिया गया। असी मंग करी थी भी घट्टो घट 5 किसान लीडर जिहड़े मतलब दोलन दे विच रहे ने, जिहड़ा साडा संयुक्त किसान मोर्चे सानू दिंदे सी 5 बंदे ते 5 सरकार आप दे दिंदी ते 5 चंगे खेतीबाड़ी माहर कोई वो चाहे हरियाणा का हुंदा पंजाब का हुंदा दूजा स्टेटां दा 5 उह लैणे सीगे। चेयरमैन घट्टो घट किसानां चों बणाउण दी, चेयरमैन नूं मंत्री गोयल बनाता जिहड़ा मतलब विरोधी है दस के खिलाफ चलदा रहा साडे दोलन दे वह बनाता, यह सरकार ने बिल्कुल किसानों तक धक्का किया। इस करके असीं कमेटी रद्द करती, असीं आपदे संघर्ष दे सिर ते आपदा दोलन जिता। संयुक्त किसान मोर्चे के इस चक्का जाम के सद्दे नूं चड़ूनी ग्रुप ने प्रवान नहीं किया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि साड़ी यूनियन इस बंद के हिस्सा नहीं लवेगी। उन्होंने कहा कि जे इस दिन किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ होंगी है तो संयुक्त किसान मोर्चा साड़ी यूनियन ते ही वार करेगा, इस करके असं इस प्रोग्राम तो दूरी बनाई है। पंजाब दे विच तकरीबन सारा सिख भाईचारा विनोद कई दिन नियुक्ति तो काफ़ी खफा है। पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार दे वल्लों AG अनमोल रतन सिद्धू दे इस्तीफे तो बाद नवें AG विनोद कई नूं लाया है। कल दरबारे पंजाब दी सरप्रस्ती अधीन पंजाब दीआं कई सिख जथेबंदियां ने पंजाब दे नवें AG दी नियुक्ति दे विरोध विच प्रदर्शन करन दा ऐलान कर दिता है। बठिंडा दे विच वख-वख जथेबंदियां दे लीडरां ने मीडिया दे नाल गलबात कीती अते आजादी दिहाड़े मौके लुधियाणा स्थित जिहड़े स्टेडियम दे विच मुख्यमंत्री कौमी तिरंगा लहराउणगे उसे थां ते प्रदर्शनकारी काले चोले पा के ते अपने आप नूं संगलां दे विच जकड़ के रोस विखावा करनगे। यूनाइटेड अकाली दल समेत होर सिख जथेबंदियां दे लीडरां ने दोष लाया है कि नवें AG बैबल कलां गोलीकांड के प्रमुख दोषी दे वकील रहे ने, इसलिए उन्होंने तैनाती सिखां दे नाल कुछ ही मजाक दे तुल है। बंदी सिंघां दे मुद्दे ते भी उन्होंने कहा कि प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर नूं रिहा नहीं किया जा रहा, जबकि जथेदार जगतार सिंह हवारा दा दिल्ली नाल संबंधित कोई भी केस ना होने के बावजूद उन्होंने दिल्ली की एक जेल दे विच यरगमाल बना के रख्या होया। सो आजादी दिहाड़े मौके लुधियाणा दे विच उसे थां ते जिथे मुख्यमंत्री ने तिरंगा लहराउणा है उत्थे सिख जथेबंदियां दे वल्लों रोस मुजाहरे दा जिहड़ा कीता ऐलान है उसने जरूर पुलिस नूं भाजड़ां पा दित्तियां ने। पंजाब दे विच सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा दे वल्लों बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी दे VC दे नाल जो व्यवहार किया गया उस दा मुद्दा पूरा दिन कल पंजाब दे विच भखिया रहा। सेहत मंत्री दे विहार नूं माड़ा दसदिया VC ने कल अस्तीफा दे दिता, उप कुलपति ने भी उस तो बाद अस्तीफा दे दिता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने VC नूं मनाउण दे यतन कीते ने पर हाले तक खबरां पढ़े जाण तक VC दे वल्लों अस्तीफा वापस नहीं लिया गया है। पता लग्या कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दे दिते ने कि उप कुलपति दा अस्तीफा प्रवान ना किया जाए। हालांकि डॉक्टर राज बहादुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सेहत मंत्री वालों किए माड़े विहार के लिए माफ़ी मंगी है, उस तो बाद वो अस्तीफा वापस लैनते विचार कर रहे हैं पर हाले तक अस्तीफा वापस नहीं लिया गया। उधर अमृतसर के मैडिकल अफसर के वलों भी अहदे छड़न की पेशकश की गई है तो विरोधी पार्टियां एक चंगा मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरन का। चेतन सिंह जौड़े माजरा ने हाले इस बारे कोई बयान नहीं दिता है। पंजाब सरकार ने गन्ना काश्तकारां दे लई 100 करोड़ रुपये जारी करदिआं राशि उन्हां दे खात्यां विच जमा करवा दित्ती है। मुख्यमंत्री दफ्तर ने दस्सिया है कि मुख्यमंत्री दे हुक्मां ते शूगर फैड दे वल्लों गन्ना काश्तकारां दे खात्यां विच फंड ट्रांसफर कीते गए ने। बकाया राशि हुण 195.60 करोड़ रुपये है, इहदे विचों 100 करोड़ रुपये इस साल 31 अगस्त तक अदा कर दिते जाणगे, बाकी 95.60 करोड़ रुपये की अदायगी 15 सितंबर तक कर दिती जाएगी, इस सरकार ने जानकारी दिती है। इस तो बाद अजनाला बटाला बुढ़ेवाल भोगपुर फाजिलका गुरदासपुर मोरिंडा नकोदर ते नवांशहर विखे सरकारी मालकी वालियां 9 खंड मिलां वल कोई बकाया नहीं बचेगा। आखिरकार सालां दा जिहड़ा संघर्ष है किसानां दा उसनूं बूर पैणा शुरू होया है, गन्ने की अदायगी उन्होंने की जान लगी है। पंजाब दे हलवारा हवाई अड्डे की गल कर लईए तां इत्थे निर्माण कंपनियां जिहड़ा कम कर रही सी उह आपो अपना समान समेट के चले गई ने क्योंकि केंद्र सरकार ने फंड जारी करन तो हथ खिच लए ने ते हुण इस जमीन दे उत्ते मझां चरा रहे ने लोग। आम आदमी पार्टी दे राज्यसभा मैंबर संजीव अरोड़ा दे वल्लों हालांकि दावा किया गया सी कि कौमांतरी हवाई अड्डा हलवारा दा निर्माण कार्ज जल्दी पूरा हो जाएगा पर सूबा सरकार दे वल्लों फंड जारी ना होण करके दोवें निर्माण
किसान कंपनियां अपना समान समेट के इतों चलिया गई ने। 162 एकड़ जमीन पर बन रहे हवाई अड्डे की चार दीवारी के अंदरूनी सड़क टैक्सी स्टैंड जल सप्लाई सब स्टेशन तो इलावा टर्मीनल वाली थान पद्धरा करन समेत फाउंडेशन तक तो तैयार हो चुके हैं, पर आखिरी पड़ा के टेंडर लिए पास हुए 47 करोड़ रुपये की रकम 6 महीने बाद भी जारी नहीं हो सकी। दो कंपनियां नू काम दा ठेका दिता होया। लुधियाणा दी सीगल इंडिया कंपनी नू 21 करोड़ रुपये अते सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिहड़ी हिमाचल प्रदेश दी है उसनू 26 करोड़ रुपये दे विच ठेका दिता होया, पर पैसे हाले तक जारी नहीं हो सके। लोक निर्माण विभाग के निगरान इंजीनियर राकेश गर्ग ने भी दसा कि वारी वारी सरकार नू याद पत्र भेजा गया पर फिर भी रकम जारी नहीं हुई। उन्होंने भी काम ठप्प होने की पुष्टि की है। हालांकि दोवें कंपनियां ने अपने काम शुरू कर दिते सी बिना एक भी रुपया लए तो, पर जदों एक भी ढेला सरकार दे वल्लों नहीं मिलिया तां काम ठप्प करके इत्थों चले गए ने। बठिंडा जिला के तलवंडी साबो दे विच एक हादसा वापरिया है। 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई है, 4 जने गंभीर जख्मी ने। तलवंडी साबो के मौड़ मार्ग से जंग ढाबे के कोल सड़क हादसा वापरिया। जख्मियों के विच 2 लड़कियां भी शामिल ने। हादसा कार मूहरे आवारा पशु आउण करके वापरिया। विद्यार्थी तलवंडी साबो के एक मेडिकल कॉलेज के विच दाखला करवा के वापस जा रहे सन। गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज के विच इन्होंने दाखला करवाया सी ते अपनी आल्टो कार ते वापस जा रहे सी। मरण वाले ते जख्मी विद्यार्थियों की उम्र 18 तो 25 साल दसी जाती है। जंग ढाबे के कोल कार मूहरे जदों आवारा पशु आ गया तो कार का संतुलन बिगड़ गया, कार पलटियां खा गई। हादसे में राहुल ते जगतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अजय, सचिन, उषा ते पूजा गंभीर जख्मी हो गए। इस दर्दनाक हादसे तो बाद इलाके दे विच सोग का माहौल है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सख्त इतराज़ जताउंदिया कहा कि सिख बच्चों के कुकार लहा के सिखां नूं वारी वारी इस मुल्क दे विच ही नहीं बल्कि अपने ही सूबे दे विच गुलामी का एहसास करवाया जा रहा है, साजिश तहत यह सब किया जा रहा है। तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो विखे प्रधान एक प्रोग्राम दे विच शिरकत करन लई पहुंचे हुए सन। उन्होंने कहा कि सिख बहु गिणती वाले सूबे पंजाब दे विच एक हफ्ते दौरान प्रीख्यावां दे मौके कई थावां ते सिख नौजवानां दे कड़े लहाउण दीआं घटनावां वापर चुकियां ने, जबकि भारत दा संविधान ककार धारण करन दी आजादी दिंदा है ते अजिहे मसलिआं दी डूंघाई नाल जांच होनी चाहीदी है। फरीदकोट की बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर ने शनिचरवार को अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। उन्होंने अस्तीफा मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजा। पिछले 9 साल तो इस अहुदे पर विराजमान सन। उन्होंने नाल ही वाइस चांसलर के सकत्र ओ पी चौधरी ने भी अस्तीफा दे दिता। यूनिवर्सिटी और गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज फरीदकोट के सफाई और होर प्रशासनिक प्रबंध दुरुस्त न होने कारण एक दिन पहला पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ेमाजरा ने इतने आके वाइस चांसलर के नाल अपनी नाराजगी जाहिर की सी। सेहत मंत्री ने वार्ड के गंदे बिस्तरियां ते वीसी नूं पैण लई कथित तौर ते मजबूर किया गया सी, जिस तों बाद वीसी राज बहादुर दे गंदे बैड दे उत्ते पैण दी वीडियो भी वायरल हुई सी। पता लग्या कि इस गल तों दुखी हो के ही वीसी ने अपने अहुदे तों अस्तीफा दिता है। इस घटना तो बाद विरोधी पार्टियां ने आम आदमी पार्टी की सरकार नूं लगातार घेरा पा रख्या है ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहिंदे डॉक्टर राज बहादुर तों माफ़ी भी मंगी है। सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़े माजरा दे कोलों होए अपमान की माफ़ी मंगी है। सूत्रों मुताबिक डॉक्टर दे वल्लों जो सवेरे मुख्यमंत्री नूं अपना अस्तीफा भेजा गया, उस तों बाद मुख्यमंत्री ने डॉक्टर नूं फोन करके माफ़ी मंगी, अस्तीफा देने दे फैसले ते मुड़ विचार करन नूं भी कहा। मुख्यमंत्री ने सर्जन नूं इह वी कहा कि वह मैडिकल विज्ञान दे विच उन्हां दे योगदान तो जाणू ने ते उन्होंने सेहत मंत्री नूं अजिहे व्यवहार दे विरुद्ध चेतावनी भी दे दित्ती है। हालांकि सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ेमाजरा दा इस संबंधी कोई बयान घटना तो बाद सामने नहीं आया। सूत्रों मुताबिक भावें मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राज बहादुर तों माफ़ी मंगी है पर आम आदमी पार्टी ने अपने सेहत मंत्री दा नाल बचाव भी कर लिया। आम आदमी पार्टी के मुख बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नवें सेहत मंत्री पिछले 1 महीने तो लगातार ग्राउंड जीरो ते जाके खुद सेहत सुविधावां दा मुआयना कर रहे ने। उन्होंने फरीदकोट दे हस्पताल दे बैड्डां दीआं तस्वीरां भी दिखाईआं ते कहा कि जिन्ने भी साढ़े डॉक्टर साहिबान ने मैनेजमेंट है उन्हां दा असी सत्कार करदे आं। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ
मंत्री साहब की मंशा पंजाब के लोगों खास करके गरीब लोगों दित्तियां जा रही सेहत सहूलतों उजागर करना सी, किसी का अपमान करना उन्होंने मकसद नहीं सी। कंग ने यह भी कहा कि विरोधी धिर भगवंत मान ही दोषी मनण लग पैंदियां ने, जो कुत्ता भी मरदा तां भी विरोधी धिर मुख्यमंत्री मान ही फड़ लैंदियां ने। पिछले एक महीने तो लगातार ग्राउंड जीरो ते जाके सेहत मंत्री साहब आप पूरे सेहत सुविधावां दा मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं ताकि इहनूं अपग्रेड किस तरह करना, क्योंकि मान साहब की सरकार का यह वादा पंजाब के लोगों का कि असी चंगीआं सेहत सुविधावां देनीआं, खासकर गौरमेंट जिहड़ीआं सरकारी, क्योंकि इत्थे गरीब आम सधारण लोग जिहड़ा है इलाज करवाउंदे आ। उस सिलसिले च कल फरीदकोट भी गए आ और उत्थों दे जिहड़े हालात है हॉस्पिटल दे, यूनिवर्सिटी जिहड़े मैडिकल कॉलेज है, मैं तुहानूं दस दिंदा आ जिहड़ा बैड, आ बैड दे हालात सी जिथे यह स्किन डिपार्टमेंट का फोटो है, स्किन डिपार्टमेंट जिहड़ा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के स्किन डिपार्टमेंट का फोटो है, जिथे चमड़ी रोग की जिहड़े हुंदे उन्हां दा इलाज हुंदा ते उत्थे यह हालात है। ते एक गल मैं जरूर कहना चाहुंदा, डॉक्टर फर्टिलिटी जिन्नी वे साडे डॉक्टर साहिबान है साडे मैनेजमेंट जिहड़े मैं उन्हां दा ही सत्कार करते हैं, वो पंजाब की सेहत सुविधावां नूं बेहतर बनाउण च रीढ़ की हड्डी का काम करनगे, क्योंकि हुण एक योग अगवाई पंजाब नूं मिली आ, उन्हां दे सत्कार च उन्हां दे सम्मान च असी किसे तरह का ना कोई कंप्रोमाइज पहलां कीता ना असी करदे हां। इस दरमियान पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी डॉक्टर राज बहादुर नूं उन्हां दे समर्थन लई मिले। जदों राजा वड़िंग उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सी तां डॉक्टर राज बहादुर दे हंझू रोकिया ना रुके। डॉक्टर राज बहादुर जदों वड़िंग दे नाल गल करदिआं करदिआं रो पए तां राजा वड़िंग ने उन्हां नूं दिलासा देण दी कोशिश कीती ते निराश ना होण दे लई कहा। विरोधी पार्टियां दे घिराओ दे नाल नाल इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे पंजाब सूबा प्रधान डॉक्टर परमजीत सिंह मान ने इस घटना नूं सब तो वध असहज करन वाली घटना करार दिता। उन्होंने कहा कि सेहत प्रणाली नूं सुधारन दी बजाय सियासी लीडर अपने नंबर बनाउण लई डॉक्टरां नूं अपमानित कर रहे ने। उह अपने आप नूं एक्टिव मंत्रियां वजों पेश करना चाहुंदे ने पर सच यह है कि उह सिस्टम नूं खराब कर रहे ने। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि इस घटना ने पूरे पंजाब नूं दुनिया दे सामने शर्मसार कीता। उन्होंने कि मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान चाहिंदा है कि वह मंत्री दे इस घटिया वतीरे दा जनतक तौर पर गंभीर नोटिस लैण, उसनू पार्टी तो बाहर दा रस्ता दिखाउण दे हुकम जारी करन। जिस तरीके पंजाब दे सेहत मंत्री ने बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर साहब नूं जलील कीता, अपमानित कीता और इस हद तक उन्हां नूं जलील कीता कि उन्हां ने अपने अहुदे तों अस्तीफा दिता, इस घटना ने सारे पंजाब नूं दुनिया दी नज़रां दे विच शर्मसार कीता। डॉक्टर राज बहादुर मैडिकल एजुकेशन दे विच देश नहीं विदेशां दे विच भी एक बहुत वड्डी सन्मानित शख्सियत है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे 9 साल वीसी हुंदे होए उन्होंने मैडिकल एजुकेशन दे विच बहुत वड्डे रिफॉर्म कीते, एक स्टैंडर्ड बनाया यूनिवर्सिटी का, पर एड्डी वड्डी महान शख्सियत नूं जिहड़े एशिया दे सब तो वड्डे स्पाइन सर्जन भी ने, एक मंत्री वल्लों पब्लिकली जलील करना यह किसी भी तरीके वाजिब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करता कि अपने मंत्री नूं तुरंत हटाओ, यह जिहड़ा रोस फैल रहा सारे देश दे विच, मैडिकल कॉलेज अमृतसर दे प्रिंसीपल अस्तीफा दे गए, मैडिकल सुपरिटेंडेंट दे गए, वाइस प्रिंसीपल दे गए, यह पंजाब वास्ते बड़ी वड्डी शर्म की गल है। आम आदमी पार्टी के सबका लीडर और सबका एम पी डॉक्टर धर्मवीर सिंह गांधी ने भी इस बहुत माड़ा दसिया है। उन्होंने कहा कि सेहत सेवावान डॉक्टर सिर्फ जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि सेहत सेवावान की जिम्मेवारी सरकार की होंगी है। डॉक्टर गांधी ने कहा कि अजिहा करके आम आदमी पार्टी की सरकार सिद्ध करना चाहती है कि पिछलिया सरकार ने अजिहा सेहत प्रबंध दिता से जबकि हूँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जे सेहत प्रबंध माड़े भी सन तो हूँ सुधारण की उन्होंने अपनी जिम्मेदारी है। सो इस घटना तो बाद पंजाब दी सियासत दे विच घमसाण मचिया होया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे वीसी डॉक्टर राज बहादुर दे अस्तीफे तो बाद अमृतसर दे सरकारी मैडिकल कॉलेज दे डायरेक्टर प्रिंसीपल डॉक्टर राजीव देवगन ते गुरु नानक देव हस्पताल दे मैडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केडी सिंह ने भी आपो अपने अहुदे छड्डण दी पेशकश कर दित्ती। डॉक्टर राजीव देवगन ने अपना पत्र डायरैक्टर मैडिकल एजुकेशन ते डॉक्टर के डी सिंह ने अपने जिहड़ी अपने अस्तीफे दी चिट्ठी है वह मैडिकल सकत्तर दे मैडिकल एजुकेशन दे सकत्तर नूं भेज दित्ती है।
हालांकि दोवां ने इस्तीफे वाली चिट्ठी विच कम दे वधेरे बोझ का हवाला दिता है। डॉक्टर देवगन इस वक्त कैंसर विभाग के मुखी ने, नाल ही उन्हां कोल सरकारी मैडिकल कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसीपल का वाधू चार्ज है। डॉक्टर के डी सिंह इस वक्त माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ने, तो उन्हां कोल मैडिकल सुपरटेंट का वाधू चार्ज है। दोवां ने लिखा है कि वाधू चार्ज करके उन्होंने आपो अपने विभाग का काम प्रभावित हो रहा है। भावें उन्होंने अपने अस्तीफे वाली चिट्ठी के विच कारण कुछ होर दसे ने, पर अस्तीफिया की पेशकश उस वक्त हुई है जदों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के उपकुलपति दे नाल एक घटना वापरी है। इस संबंधी वीडियो सोशल मीडिया से वायरल होने तो बाद ही अमृतसर के सरकारी मैडिकल कॉलेज के दोवें अधिकारियों ने अपने अहुदे छड्डन की पेशकश की। 30 जुलाई में शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले के कतलकांड में वापरे हुए पूरे 62 दिन हो गए हैं। 62वें दिन इस केस के की कुछ अपडेट रही है उसकी जानकारी थानू जरूर देंगे। हालांकि इस केस के शनिचरवार को कोई बहुत ही खास अपडेट ना पंजाब पुलिस के वलों ना ही दिल्ली पुलिस के वलों मिली है। हालांकि इस कतलकांड के नाल जुड़े हुए जिहड़े अपराधी ने उन्होंने नाल जुड़िया कुछ अपडेट्स जरूर मिलिया ने। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी नौजवान गायक सिद्धू मूसेवाले कतलकांड तो बाद सब तो वध चर्चा में रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड, सचिन बराड ते दीपक मुंडी के उत्ते कानूनी शिकंजा होर कस दिता है। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने पटियाला हाउस कोर्ट में बिश्नोई ते उसके ग्रोह के 10 शूटर के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। पुलिस ने चार्जशीट दिल्ली के मोन गार्डन इलाके के एक रियल अस्टेट कारोबारी के कतल की साजिश के नाल नाल उस तो 1 करोड़ की प्रोटैक्शन मनी की मांग करन दीयां गंभीर धारावां दे तहत दायर की है। स्पैशल सैल दे ACP ललित मोहन नेगी ते होर अधिकारियों ने दस्सिया कि गोल्डी बराड, लॉरेंस बिश्नोई ते सचिन बिश्नोई के ऑपरेटरां दे वल्लों 30 मार्च 2021 नूं मोहन गार्डन इलाके विच एक कारोबारी के दफ्तर च गोलीबारी की गई सी। इस गोलीबारी विच व्यापारी दीयां दोवें लत्तां विच गोलियां लगियां सन। इस मामले दे विच दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने राजस्थान के हनुमानगढ़ ते श्रीगंगानगर तो 5 शूटरां नूं गिरफ्तार किया सी। इस तों इलावा तिहाड़ जेल, गुरुग्राम ते रोहतक जेल विच बंद लॉरेंस गैंग दे 6 शूटरां नूं नामजद भी किया गया सी। चार्जशीट विच खुलासा होया कि किवें लॉरेंस गैंग जेल दे अंदर ते कनेडा दुबई तो अपने गैंग नूं चला रहा है। रियल एस्टेट कारोबारियां, केबल कारोबारियां, शराब कारोबारियां, सियासतदाना, गायकां ते संगीत कंपनियां दे मालकां तों इह पैसे मंगदे ने। इन्हां दे विचों गोल्डी बराड कनेडा दे विच रहिंदा है जदके लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पंजाब पुलिस की हिरासत विच है। मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़े हुए अपराधी सचिन बिश्नोई ते काला जठेड़ी बारे खबर मिली कि वह दुबई भज गए ने। मूसेवाला कतलकांड विच लॉरेंस गैंग का शूटर दीपक मुंडी हाले तक फरार है। हालांकि पुलिस लगातार ये कहती आ रही है मनु और रूपा दे जड़े जड़ा एनकाउंटर किया उस तो बाद लगातार पुलिस यही कह रही है कि दीपक मुंडी तक पुलिस के हाथ पहुँचने वाले ने। कुछ उस दे बारे जड़ियां जानकारियां मिलियां ने ते छेती पुलिस उसनूं गिरफ्तार कर लवेगी, पर हाले तक दीपक मुंडी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ही है। उधर मूसेवाला कतलकांड तो बाद चर्चा में आए स्थानक फिरोजपुर केंद्रीय जेल च बंद गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना के कोलों तलाशी दौरान मोबाइल फोन समेत सिम कार्ड बरामद हुए ने। मोबाइल बरामदगी तलाशी दौरान जेल प्रशासन को धमकियां देने अधिकारियों के नाल बदसलूकी करन दी प्राप्त हुई शिकायत से कार्रवाई करदिया थाना सिटी पुलिस ने गैंगस्टर मन्ना के खिलाफ वख-वख धाराओं तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मन्ना की तलाशी करने उस को एक मोबाइल फोन मार्का सैमसंग टच स्क्रीन समेत एयरटेल कंपनी का सिम बरामद होया है। इस खिलाफ शिकायत मिलने से जदों जेल अधिकारी तलाशी लै रहे सन तो इसने कहते जेल प्रशासन को धमकिया भी दिखाई। मौके पर मौजूद जेल अधिकारियों बदसलूकी के पेश आया तो अपशब्द भी बोले। ये पुलिस के दस्से मुताबिक जानकारी है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों जिहड़ी नजायज़ कब्जे छुड़ाउण दी मुहिम है उसके तहत शुक्रवार नूं वड्डी कार्रवाई का दावा किया गया। मोहाली दे एक पिंड दे विच 2828 एकड़ जमीन छुड़ाई गई। उस तो बाद भावें सरकार की कार्रवाई से सवाल उठन लगे ने, पर पार्टी के बुलारे मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब ने यह कार्रवाई करके एक वधिया उदाहरण पेश की है। पंजाब लई लड़न का दावा करन वाले सिमरनजीत सिंह मान के धी जवाई के पुत्र ने भी कहिंदे काफ़ी जमीन दबी हुई सी जिहड़ी कि छुड़ा ली गई है। उन्होंने दावा किया कि वड्डे घराणियां दे वल्लों छुड़ाई गई जमीन हुण पंचायत नूं दित्ती जाएगी। कुछ हिस्से नूं पंजाब दे विच जंगलात रकबे नूं वधाउण दे लई भी वरत्या जाएगा। जिहड़े मैंबर पार्लियामेंट है मान साहब संगरूर तों सिमरनजीत सिंह मान, जिहड़े पिछले कई दिनां तों सरदार शहीद आजम भगत सिंह नूं गालां कट रहे सी, उन्हां दा असली चेहरा भी बेनकाब होया। उन्हां दे बेटे दे नां भी, उन्हां दे बेटे वल्लों भी कब्जे सी जमीन इत्थे 125 एकड़, और उन्हां दे जवाई ते धी ते जिहड़े बाकी रिश्तेदारां वल्लों भी कई एकड़ जमीन जिहड़ियां आ पंजाब सरकार दियां सरकारी जमीन पंचायती जमीन दबाईयां होईयां जी, कब्जे कीते हुए जी। वड्डे वड्डे घरानियां ने, वड्डे वड्डे राजनीतिक बैकग्राउंड के लोगों ने किया, उत्थे भी सरकार नूं जिहड़ा जाके ये
ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇੱਕ 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 ਸਰਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਊਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 7 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੱਸੜ ਸੁਲਤਾਨ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਠ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਢਾਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ SSOC ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਦੀਪਕ ਪਾਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਗਾਰਡ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਿੰਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਟਾਫ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗਾਰਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਖੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੱਖੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਖੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੈਕਸਚਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਡਕਟ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੋਚ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ MLAs ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਓਨਲੀ 1 ਪਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 18 MLAs ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਿਡ ਦੇਅਰ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 526 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 4.49% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2992 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ
इस दे बावजूद भी केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि मौजूदा सौनी सीजन दे विच झोने की लुआई दे विच कमी नूं पूरा करन दी संभावना बनी हुई है। खेतीबाड़ी मंत्रालय के ताज़ा अंकड़े के मुताबिक मौजूदा सौनी सीजन 231 लाख हैक्टेयर तो वध रकबे दे विच झोने की लुआई हुई है, जिहड़ी कि पिछले साल दे नालों 35.5 लाख हैक्टेयर घट गई है। साल पहला यह 267 लाख हैक्टेयर तो वध हुई सी। शनिचरवार नूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ पहुंच के अमित शाह ने तस्करी ते कौमी सुरक्षा बारे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच बोलदिआं कहा कि केंद्र ने नशियां ते जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। नशियां विरुद्ध लड़ाई कहिंदे सही दिशा वल वध रही है ते उन्होंने अपनी सरकार दे वल्लों इस लड़ाई नूं जित्तण दा दावा भी कीता। केंद्रीय मंत्री ने यह भी दस्या कि दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी ते कोलकाता दे विच एनसीबी दीआं टीमां दे वल्लों जब्त कीते 30,000 किलोग्राम तो वध नशीले पदार्थां नूं साड़िया भी जाएगा। गुरु की नगरी अमृतसर तो खबर है जिथे प्रशासन ने दफा 144 लागू कर दिती है। अमृतसर शहर के अधिकार खेत्र दे विच आउंदे सारे इलाकों दे विच 5 जां 5 तों वध व्यक्तियां दे इकट्ठे होण, रोस रैलियां करन, धरना देण, मीटिंगां करन, नारे मारन ते विखावे करन ते मुकम्मल पाबंदी लाउण दा हुकम जारी कीता, जिहड़ा कि 26 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। राजस्थान तो वड्डी खबर है जिथे तकरीबन 3 महीनों के पशुओं की लाइलाज लंपी बीमारी ने 1200 तो वध गऊआं की जान ले ली है। 25,000 पशु हाले भी सूबे दे विच बीमार ने। इस दे नाल ही सूबा सरकार जयपुर तो सीनियर अधिकारियों प्रभावित इलाकों में भेजण समेत कई कदम चुक रही है। छूत वाली लाइलाज चमड़ी की बीमारी ने राजस्थान दे विच जानवरां ते कहर ढाया होया। अधिकारियों का कहना है कि LSTV जां लंपी कही जाने वाली छूत वाली बीमारी का कोई भी सही इलाज ना होण करके पशुओं दे विच तेजी दे नाल फैल रही है। एक दिन पहला पंजाब दे कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने भी यह ऐलान किया सी कि पंजाब दे वख-वख इलाकों दे विच सेहत टीमां जाणगियां जिहड़ियां कि पशुआं दे विच इस बीमारी का चैकअप करनगियां। पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा दे वल्लों चंडीगढ़ दे केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा भवन दे विच हक पंजाब कन्वेंशन की गई। इस कन्वेंशन दे राही पंजाब यूनिवर्सिटी नूं स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा देण ते नवीं सिक्ख्या नीति नूं रद्द करन दी मंग की गई। इस मौके कन्वेंशन दे मुख बुलारे एडवोकेट राजविंदर सिंह बैंस ने कहा कि केंद्र वालों लगातार पंजाब नाल वितकरा किया जाता रहा है। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत पंजाब के पानिया डैमा ते पंजाब यूनिवर्सिटी ते केंद्र अपना अधिकार कायम कर चुके है ते हुण यह एक्ट पार्लीमेंट विच सोध तो बिना नहीं बदलिया जा सकता। उन्होंने मांग की कि पंजाब यूनिवर्सिटी का केंद्रीकरण बंद करके इस नूं पूर्ण रूप दे विच स्टेट यूनिवर्सिटी बना के पंजाब दे हवाले किया जाए, नवी सिक्ख्या नीति नूं रद्द किया जाए। बुलेटिन दे विच कॉमनवैल्थ खेडां दी जानकारी जरूर थानू दे दिने। कल का दिन है जिहड़ा भारतीय वेट लिफ्टरां दे नाम रहा। भारतीय वेट लिफ्टरां नूं एक सोना, एक चांदी ते एक कांसे दा तगमा मिलिया है। बर्मिंगम दे विच ये खेडां चल रही ने। भारत की मीराबाई चानू ने भारत नूं पहला गोल्ड दवाया है। 49 किलोग्राम भार वर्ग दे विच जित दर्ज कीती है। इस नाल ही भारत के नौजवान वेट लिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने भी 55 किलोग्राम भार वर्ग दे विच चांदी का तगमा जित के भारत का खाता खोलिया। यानी कि ऐतकी दीआं राष्ट्रमंडल खेडां दे विच पहला तगमा सरगर ने जितया। सरगर तो इलावा भारत के गुरुराजा पुजारी ने भी वेटलिफ्टिंग के 61 किलोग्राम भार वर्ग के कांसा जित लिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तगमा जेतू खिडारियों को बधाई दी है। तो असी भी कामयाब होने वाले ते हिस्सा लैन वाले सारे खिडारियों मुबारक देंदे हाँ ते शुभकामनावां भी कहिंदे हाँ। कॉमनवैल्थ दीआं होर अपडेट्स भी तुहानू दे दिंदे आं। कल तैराकी दे मुकाबले भी शुरू हो चुके ने। नटराज बैक स्ट्रोक मुकाबले दे फाइनल दे विच पहुंच गए ने। भारत दे ये उगे तैराक ने। फाइनल मुकाबले दे विच देखो की बनता है। उधर भारतीय महिला हाकी टीम की मिडफील्डर नवजोत कौर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिस करके उसनू देश परतना पवेगा। नवजोत कौर की थां हुण सोनिका टीम दे विच खेडेगी। साइकलिंग दे विच भारतीय टीम की शुरुआत निराशाजनक रही है। भारतीय टीम फाइनल तो खुंझ गई है। भारत दीआं तिन्ने टीमां फाइनल दे विच थां बनाउण दे विच नाकाम रही ने। भारत के बैडमिंटन खिडारी अपनी शानदार खेड का प्रदर्शन लगातार दिखा रहे हैं। श्रीलंका नूं हरा के भारत इत्थे नॉकआउट गेट दे विच पहुंच चुक्या है। मिक्सड टीम मुकाबले दे विच भारतीय खिडारियों का चंगा प्रदर्शन देखने नूं मिल रहा है। ऐतकी कॉमनवैल्थ खेडां लंडन दे विच हो रहीयां ने, बर्मिंगम दे विच हो रहीयां ने ते उत्थे रेलवे दी हड़ताल भी चल रही है। इंग्लैंड विच करीब 5,000 रेलवे ड्राइवर हड़ताल ते ने, जिस करके खेड प्रेमियों नूं काफ़ी परेशानी हो रही है।
शनिचरवार को करीब 5000 ड्राइवर 7 रेल कंपनियों के खिलाफ एक दिन की हड़ताल से जो चले गए तो खेड प्रेमियों के नाल नाल मुसाफर के मुलाजमान काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पिया। इस सारे पिछले 3 सालों तो रुकिया हुई तनखाहों वधाउण की मंग कर रहे हैं। पंजाब दी खास खबरों के खास बुलेटिन सब तो इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।